हाँ बोलिए, कहाँ थी जमीन आपकी? वो सामने वो आपके बोल खेला के मार्ग जो है अच्छा, वो नदी के किनारे में, वहाँ हमारा NIT कैंपस के अंदर थी। हाँ हाँ बाबा, NIT कितने वर्ष पहले? आज कम से NIT होना तो 40 से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। अच्छा, तो साल बता सकते हैं क्या अंदाज से, अनुमान से? वो 40 से ऊपर होगा बाबा। नहीं मतलब कौन से वर्ष, 1900 कितना? वो तो याद नहीं है, याद भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, कैसे मतलब आपको फिर वो जमीन कैसे ले ली गई आपसे? वो बोला जे कंपनी तो बात यही है जे ये तो हमारा जमीन। हाँ आपने बोला आपकी जमीन है। हाँ। हम लोग कहा कि हम लोग के जो जमीन है ये खेत के जमीन आप छोड़ दीजिए। हाँ 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 हाँ, अरे ये चारा बाड़ी जो भी है आप हाँ, बिक्री कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो चारा बाड़ी सही था, एक जमीन खेत के जमीन। कौन सी कंपनी थी, कंपनी थी कि सरकार ने कर दिया? ये विनय मजुमदार कंपनी। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने क्यों बिक्री कर दिया? वो गवर्नमेंट के यहाँ ढेर रुपया पा गया बाबा। अच्छा, तो आपसे छीन लिया उन्होंने? हाँ, बोला कि ये हमारा जमीन। अच्छा, हम बेच देता है। तो उन्होंने किसको बेचा, सरकार को बेचा उन्होंने? हाँ, गवर्नमेंट के यहाँ भी। लेकिन लेकिन सरकारी मतलब सरकारी दस्तावेज में तो आपका नाम लिखा था जमीन का। सबको नाम लिख लिख के यो करा, इसका जमीन में केस भी चला बाबा, बहुत दिन केस चलना पर भी कैसे कैसे वो बड़का बड़का सब। तो अभी केस खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? केस खत्म हो गया बाबा। तो कोर्ट ने किसके तरफ फैसला दिया? कहा कि ये ठीक है, गवर्नमेंट विचार किया जे ठीक है, कितना लाख रुपया है पब्लिक को देना पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं दिया वो? तो कंपनी बोला जो 45 के दर से उन लोग को दे दो, जो पैसा होगा हमारा दे दो। 45 के दर 45 के दर से दे दो बोला। हाँ, 45 के दर से बाबा जमीन हम लोग को उतना जमीन वो दर से करो। तो 45 के दर से आपको फिर अंत में मिला थोड़ा बहुत? नहीं बाबा, वो भी नहीं दिया, वो भी बंद कर लिया कंपनी। अच्छा, तो वो कंपनी के हाथ में कैसे, जब कोर्ट ने बोला तो सरकार तो दे ही देती? वो कैसे कैसे पैसा आदमी को बाबा। अच्छा, वो अच्छा ऊपर ऊपर कुछ कर दिया। हाँ, कुछ अच्छा, एक बार बताइए, दस्तावेज में तो आपका नाम था। हाँ, पहले तो फिर उन्होंने नाम कैसे बदलवा लिया विनय कुमार कंपनी ने? ये एरिया से कम 300 आदमी खर्चा, 400 आदमी बगान के भीतर। अच्छा, ये NIT का जो एरिया है इसमें 400 आदमी की जमीन थी? हाँ, 400 आदमी बगान में काम करता था। अच्छा, चाय का था, किसका? हाँ, था चाय बहुत आपके जरिए वाल की इधर। हाँ हाँ हाँ, ये सब चारा बाड़ी था। अच्छा अच्छा, चारा बाड़ी मतलब वो जो चाय खाता है हम? अच्छा, चाय का बगान था। हाँ, चाय अच्छा, बगान। तो उसके बाद में वो 400 लोगों के नाम था, मतलब 400 लोगों की जमीन थी? वो बगान में काम करता। अच्छा, काम करते थे। तो नाम किसके था वो? जितना ही हम लोग का बाप माई को बगान में काम करते करते तो बाप माई लोग मर गया, वो तो बगान नहीं। लेकिन बगान किसके नाम पे था? वो कंपनी अंग्रेज जब जाने लगा, हाँ जाने के टाइम में, हाँ वो कंपनी ले लिया विनय मजुमदार। अच्छा, वो अच्छा वो उनसे ले, अंग्रेज से ले लिया, खरीद लिया उन्होंने? खरीद लिया तो वो भी अब पैसा के नहीं, अंग्रेज जाने लगे तो खरीद लिया। अच्छा, तो आप तब थे क्या उस समय, अंग्रेजों के समय आप जीवित थे? हाँ हाँ बाप, हम ज्ञान था। आप कितने कितने क्या उम्र रही होगी आप? वो टाइम में हमारा 25 से 30 तक रहा। 25? तो आज कितनी, 90 के करीब होगी? हाँ, 80-90 के किनार हो गया, 90 जितनी नहीं भी हो बाबा। अच्छा, वो 75-80 के किनार हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो जमीन तो वो तो आपकी थी नहीं जमीन, मतलब आपके नाम तो नहीं लिखा था, वो तो उन्हीं की थी ना? वो तो हम लोग के बाप दादा के नाम रहा, वो नहीं हथियार में अभी तक भी नाम है, किंतु कंपनी बोलता है वो जमीन का अब तुम लोग का खजना भी हम लोग देता कंपनी का, कंपनी लेता नहीं है। बोल रहे तुम लोग क्या खजना मतलब? वो जमीन के हम लोग जो साल भर किया खेत। हाँ, तो ये करके आप ये मजूरी ले लीजिए। अच्छा अच्छा, वो भी नहीं मतलब टैक्स जैसा थोड़ा बहुत काट लीजिए और हमको बाकी रहने दीजिए, आपने बोला।
तो वो आपके बाप दादा आपके माता पिता के नाम की थी वो जमीन की कंपनी के नाम की थी वो? नहीं, बाप दादा का नाम था। अच्छा, उनका नाम था ना। तो ये लोगों ने अंग्रेजों से ले लिया वो, मतलब अंग्रेजों को रिश्वत दे के वो कंपनी ले ली। अच्छा, तो अभी आप अभी नाम आपके अभी खाता में जो नाम है वो किसका नाम है अभी? वो मेरा बाबा को नाम है। तो फिर अभी तो आपकी जमीन है ना? तो लेकिन फिर कुछ आप कर क्यों नहीं पा रहे? ये आस्था बगान के आदमी के नाम है वो जमीन। किसका किसने कितने लोगों का नाम है? कम से कम तो ये जमीन जितना आदमी बगान के जितना जमीन है सौ 200 आदमी का नाम है। अच्छा, लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन फिर अभी अभी किसके नाम है? अभी आपके बाप दादा के नाम पर है ना? तो हम लोग के बाप के नाम पर वो जमीन अभी है। तो अभी भी है तो फिर कैसे NIT कैसे प्रयोग कर रहे हैं उसको? वो तो कंपनी गवर्नमेंट के यहाँ बेच दिया। नहीं, बेच दिया तो फिर आपके बाप दादा का नाम कैसे है? वो लेके हम लोग के केस बहुत दिन चला। अच्छा अच्छा, मतलब एक कोई कुछ कुछ दस्तावेजों में कंपनी का नाम है था और कुछ कुछ खातों में आपका आपके बाप दादा का नाम था, दोनों का नाम था ऐसा? दोनों का नाम। अच्छा अच्छा, एक ही जमीन दो लोगों के नाम था? अच्छा, ये हमारा पब्लिक है, हम तो मालिक है जमीन। हाँ हाँ हाँ, सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया आपने बताया। और आप जब यहाँ घास जो इकट्ठा कर रहे हैं तो ये भी हमें बताइए कि मतलब आपको क्यों करना पड़ रहा है, आपके घर से कोई जवान लड़का कोई करे इस उम्र में आपको क्यों करना पड़ रहा है? तो हम लोग अभी तो बाबा ये एक लड़का है, ये REC में बोला ठीक है हम लोग की जमीन आप ले लेता है। हाँ, वो गरीब चबलानी साहब रहा। कितने साल पहले की बात है ये? बक्का 20 साल से ऊपर हो जाता है किसान। अच्छा अच्छा, तो हाँ तो हम लोग तब केस का फाइनल रिजल्ट तब आया क्या फाइनल? तो वो साहब ने कहा जे देखो तुम लोग ये सम जमीन जो है ये तो कंपनी इसका पैसा को भी लेके चल गया। हाँ, ये कौन सा था, सरकारी था बाबू? वो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल था। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल। वो साहब ने कहा कि देखो हमारा पास में आप तुम लोग के अब एक संग में इतना आदमी से काम नहीं देगा, दो आदमी चार आदमी जहाँ जो काम लगेगा वो उतना आदमी। अच्छा, स्कूल में प्रिंसिपल था क्या? प्रिंसिपल वो स्कूल में था कहीं? स्कूल में प्रिंसिपल थे क्या वो? वो आप तो वो तो बिहार तरफ से आया प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा, तो प्रिंसिपल मतलब स्कूल के प्रिंसिपल थे? हाँ, ये REC के। REC मतलब NIT के? NIT के प्रिंसिपल थे? जी। अच्छा, REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे? हाँ। तो उन्होंने काम सबको दिलवाया क्या? वो बोला जो हम देगा। हाँ। यहाँ के आदमी बोला जो हम लोग का जल्दी काम दो हम लोग क्या खाएगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो साहब ने कहा कि देखो यहाँ पर तो एक संग में काम होने के अभी तो काम पहला। हाँ। शुरू हुआ। हाँ हाँ, तो दो आदमी चार आदमी ऐसा करके देगा काम, इसका बाद में जब ढेर काम होने लगेगा तो सब लोग के यहाँ पर दे। अच्छा अच्छा, इसमें तो दिया था उन्होंने काम को आदमी जो दिया दूसरा? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम लोग के तो भी पाया ना इसमें। हाँ। मैं सबको बोला ये प्रिंसिपल जितना ऑफिस के बाबू सब रहा वो लोग भी बोला जी नहीं ये प्रिंसिपल बहुत खराब प्रिंसिपल। अच्छा, बस खाली कह दिया। हाँ। और काम नहीं किया। हाँ। अच्छा, आपके कोर्ट का जो अंत में निर्णय आया था वो कब आया था? कोर्ट से? हाँ, कोर्ट से जो निर्णय आया था। तो बाबा ये तो बहुत दिन हो जाता है अब धरिए। नहीं, प्रिंसिपल। हाँ बोलिए बोलिए। जब ये जमीन ले लिया तो कंपनी भी मुड़ गया, उसका लड़का है। अच्छा, तो मतलब ये जो प्रिंसिपल ने आपको दिया था, आपको कहा था कि दिलवा देंगे, वो उसके पहले ही कोर्ट का निर्णय आ गया था? वो ऑफिस के NIT के जो पब्लिक जो ऑफिस के बाबू साहब जो भी रहा। हाँ, 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 वो लोग बोला ये साहब ठीक नहीं है, ये लोग खाली पब्लिक के मुख देख के यो करता है काम। अच्छा, देता है हम लोग जो इतना पल को। अच्छा, घूमता है हम लोग तो कोई चाकरी नहीं देता है। अच्छा, तो भी बोला जो देखो यहाँ पर तो साहब के काम है, बाबू के काम है, किरानी के काम है, सबको काम। हाँ, है। हाँ, हमके तो सबको देखना है। हाँ, वो गरीब आया तो वो लोग कुदाली मारने का काम है, रास्ता में माटी फेंकना। हाँ, वो भी काम है हमको। हाँ, तो देना पड़ेगा। बोला हाँ, नहीं ये वो बात नहीं है। हाँ, पहला हम लोग के काम दे दो तो पैसे गरीब लोग के सब काम दो। कौन बोला ऐसा?
आर सी के बाबू साहब। अच्छा बाबू साहब, तो वो लोग सोचा जी ये साहब आ गया तो ये अपना आदमी को देखता देता है काम। हाँ। तो हम लोग के नहीं देता है, तो उसके बहुत झमेला करके वो साहब के तरीका अरे ट्रांसफर करवा दिया इन बाबू लोगों ने मिलके, जिससे आप लोगों को न मिल पाए काम। अरे रे रे रे, साहब का चेस्पान यहाँ से कर दिया बाबा। अरे रे रे, साहब चल गया। अरे रे रे रे, तो उसका बाद में आया ये पंजाबी साहब एक तो। अच्छा, यहाँ को प्रिंसिपल। हाँ हाँ, तो वो भी देख के बोला ये तो खाली खिसारी बन गया यार, लिखी पानी में वो जो ये फिसारी के मछली मरता सब लोग मार मार खाओ। हाँ। मल के यहाँ बेच के। हाँ। पैसा ही लोग ले लेते। कौन लोग पैसा लेते हैं? ऑफिस के बाबू लोग। अच्छा। वो पंजाबी साहब आ गया तो बहुत 70,000 न कितना रुपया तो मछली बेचा वो लोग के हिसाब रहा। नहीं तो वो पंजाबी बाबू ने क्या किया, उन्होंने भी वो भी बेचना चालू कर दिया? नहीं नहीं। हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा, तो बोला जी फिसारी बनाया घर बनाने का काम है यार, फिसारी में मछली रखने का कोई जरूरी है? गवर्नमेंट के तो मछली की कोई जरूरी नहीं है, इसे में घर बनाओ, रास्ता घाट बनाओ, पब्लिक के खटाओ। हाँ। बाबू साहब के भी काम होगा यहाँ पर। हाँ। तो बहुत दिन रहा, 3-4 साल रहा वो पंजाबी साहब। अच्छा। तो बोला जब हम लिखित परीक्ष करके किया जो हमारा ये अपना हम आप जो समय हम यहाँ पर आएगी। हाँ। तो हम देखेगा काम। अच्छा। काम नहीं होने से हम तुम लोग को विपद होगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जब रिटायर्ड होकर चला गया तो संगे मिलचेरी उसके बोला जी ये साहब का मार देगा हम लोग। तो मिलचेरी अपना संग में मिलचेरी रखता संग। कौन कौन मिलिट्री रखता था? वो पंजाबी साहब। अच्छा, उनके साथ में। अच्छा, सिक्योरिटी रखते थे? जब तीन सिक्योरिटी एक तो रहता था। बोला जी इतना ये तो वो पंजाबी साहब के ये सब घर द्वार। हाँ। लिखित पर देखे गया यहाँ स्कूल होगा, वहाँ ऑफिस होगा। हाँ। वहाँ क्वार्टर होगा। हाँ। वो साहब बोला जे ये सुंदर होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। सुंदर को कुटी रुपया यहाँ सेक्शन करके दे, ठीक है पैसा कमने से हम। हाँ। है दिल्ली में हमारा पास में। हाँ, हाँ। खबर करो, हम रुपया भेजेगा तुम लोग काम करा। हाँ, हाँ। तो ये तारा तारीख सब घर जो बन गया। अच्छा, और अभी ये सब का क्या होता है, ये सब जो पानी है आसपास इसमें मछली वछली अभी होती है कुछ? वो तो साहब जब चल गया तो मछली अभी से पब्लिक को बोला तुम लोग मार मार के खाओ मछली। तो खाते हो आप लोग? अभी मारने से जाल लेके आने से छीन लेता है पिंछी मारना। अच्छा, वो सिक्योरिटी जो खड़ी है? हाँ, ये लोग मारने नहीं देता है। अरे अरे अरे।